कल्पना श्रीवास्तव आपकी हिंदी की शिक्षिका आज आपको हिंदी प्रथम की पुस्तक पावनी से पाठ एक सूरज निकला पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी अपनी पुस्तक निकालिए और अब हम पढ़ते हैं पाठ एक सूरज निकला। चलिए बच्चों अब हम पढ़ना शुरू करते हैं पाठ एक कविता सूरज निकला। बच्चों आपको पता है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें आसमान में लालिमा दिखती है, वो किसकी होती है? सूरज की। वो हमें ये बताती है कि देखो सूरज निकल गया है। सुबह का समय बच्चों बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुहावना होता है। इस समय हमें आलस छोड़ देना चाहिए और सुबह उठकर अपने काम पर लगना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है ना, उस समय आपको प्रकृति के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं सूरज निकला कविता। आप लोग पेंसिल ले लीजिए। सूरज निकला आंखें खोलो, बुला रही है चिड़िया बोलो। सूरज तो आपने देखा है ना, सुबह के समय आसमान में निकलता है गोल सा सुनहरे कलर का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूरज निकल गया, अब आप लोग उठ जाओ, अपनी आंखें खोल दो, बुला रही है चिड़िया बोलो। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, वो आपको बुला रही है। सोने जैसी किरणें आई संग संग उजियारा लाई। किरणें माने क्या होता है? सूरज की रोशनी होती है ना, वो चारों तरफ फैली होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सोने जैसी किरणें आई, साथ में अपने क्या लाई? उजियारा, रोशनी लाई। ये सोने जैसी जो किरणें हैं अपने साथ में रोशनी लेकर आई हैं। हरी घास पर ओस पड़ी है, मोती जैसी चमक रही है। हरी घास पे ओस पड़ी है। आप लोग कभी सुबह टहलने गए होंगे तो देखोगे कि घास पर कुछ चमक रहा है, कुछ पानी की बूंदें जैसा लगता है और वो चमक रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरी घास पर ओस पड़ी है, वो कैसी लग रही है? वो मोती जैसी चमक रही है। रंग बिरंगे फूल खिल रहे, तितली के वे गले मिल रहे। सूरज की रोशनी पाते ही फूल खिलने लगे हैं और वो फूल खिल गए तो तितलियाँ उन पर मंडरा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वे उनके गले मिल रहे हैं। रंग बिरंगे फूल खिल रहे, तितली के वे गले मिल रहे हैं। घुघू भौरे घूम रहे हैं। घुघू मतलब भौरे, जब घूमते हैं ना तो उनके साथ एक आवाज़ आती है। तो भौरे जो है फूलों के आसपास घूम रहे हैं और वो कलियों का मुख चूम रहे हैं। वो कलियों पे बैठ के उनके रस को चूस रहे हैं। ठीक है, फिर से देखो, घुघू भौरे घूम रहे हैं, कलियों का मुख चूम रहे हैं। भौरे जो हैं वो आवाज़ करते हुए फूलों के आसपास मंडरा रहे हैं और कलियों पर बैठकर, ऐसा लग रहा है कि कलियों पर बैठकर उनके मुख को चूम रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही, खुशबू फैली गली गली। सुबह का समय इतना अच्छा है और इसी समय ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ठंडी हवा के चलने से जो फूल खिले हैं उनकी खुशबू चारों तरफ फैल गई है, हर गली गली में फैल गई है। आलस छोड़ो, दौड़ लगाओ। बच्चों आप लोग भी आला छोड़ो, सुबह के सुबह उठ जाओ, दौड़ लगाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ और इतने अच्छे वातावरण में आप लोग जाओ, अपनी आलस को दूर करो और अपने शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाओ। देखो तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आप देखो, ये बच्चे सुबह उठ गए, इनकी मम्मा ने इन्हें जगाया, ये उठ गए और ये उठ कर क्या कर रहे हैं, सुबह निकले हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी बूंदे जैसा नज़र आ रहा है ना घास पे, ये सब क्या है? ओस की बूंदे हैं, जिसको कहा गया है कि ये मोती की तरह चमक रही हैं। तो बच्चों आप लोग एक काम करना, इस कविता को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? और इसके बाद हम लोग, चलिए बच्चों पुस्तक में हम लोग पेज नंबर 11 में पुस्तक अभ्यास करते हैं। पहले आप लोग ये बताइए कि चिड़िया क्या कर रही है। हाँ, चिड़िया क्या कर रही है, जल्दी बताओ तो आप लोग।
चिड़िया हमें सुबह सुबह उठा रही है। गली गली में क्या फैल रही है? गली गली में फूलों की खुशबू फैल रही है। जब हवा चल रही है ना, तो जो फूल खिले हैं उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। घास पर क्या पड़ा है वो तो आपने देखा है ना, घास पर क्या पड़ा होता है? ओस की बूंदे पड़ी होती है ना। चलिए अब इसके आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 में, अपने साथ उजियारा कौन लाया? अपने साथ उजियारा किरणें लाई। कौन लाया? किरणें लाई। चमक रही है मूर्ति की तरह। ओस किसकी तरह चमक रही है? मूर्ति की तरह चमक रही है। अब बताइए हवा कैसी चल रही है? हवा ठंडी ठंडी चल रही है। आपने अभी अपनी कविता में पढ़ा है ना। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 पे, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सूरज निकला आंखें खोलो, बुला रही है चिड़िया बोलो। फिर से देखिए, सूरज निकला आंखें खोलो, बुला रही है चिड़िया बोलो। ठंडी ठंडी हवा चल रही, खुशबू फैली गली गली। ये आप लोग लिख लीजिए। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही, ठंडी ठंडी भरिए, फिर खुशबू फैली गली गली। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 12 पे। देखिए तो आप लोग क्या है, प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। किरणें कैसी चमक रही हैं? चांदी जैसी, सोने जैसी, मोती जैसी। कैसी चमक रही है? सोने जैसी। निशान लगाइए आप लोग। फिर ख, फूल किससे गले मिल रहे हैं? चिड़ियों से, भौरों से, तितली के। किससे मिल रहे हैं? तितली के। तितली पे सही का निशान लगाइए। इसके बाद देखिए, कैसी हवा चल रही है? हवा मंद मंद चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है, तेज तेज चल रही है। कैसी चली? हाँ, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ठंडी ठंडी पे सही का निशान लगाइए। इसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, ऐसे एक जैसी आवाज़ वाले ऐसे दो शब्दों को तुक वाले शब्द कहते हैं। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था। अब ये देखिए, ऐसे ही इन शब्दों को तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे गली का भली हो गया, चली का क्या हो गया? यहाँ पे लिखिए चली कली। लिखिए चली और कली। इसके बाद फूल का झूल हो गया, फिर लिखिए कुल मूल। चलिए लिखिए तो आप लोग। इसके बाद देखिए बच्चों, फूल और पुष्प एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ऐसे ही इन चित्रों का एक एक नाम लिखिए। फूल का पुष्प हो गया सूरज, सूरज का रवि हो गया, और आँख का नेत्र हो गया। आप लोग लिख लीजिए, सूरज का रवि और आँख का नेत्र। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 3 पे, कविता में से इन मात्राओं के चार चार शब्द ढूंढ कर लिखिए। कौन सी मात्रा है ये? छोटी की मात्रा यानी इ। यहाँ पे देखिए क्या है, किरणें, निकला, चिड़िया और उजियारा। किरणें, निकला, चिड़िया, उजियारा, ये सारे इ की मात्रा है। अब ये देखिए क्या है, बड़ी की मात्रा, ई की मात्रा। ये तो छोटी की मात्रा हो गई, और ये है ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा। आप लोग देखो, खोलो, यहाँ पे ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा। खोलो, बोलो, छोड़ो, दौड़ो। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि छोटी की मात्रा आगे से लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे से। छोटी की मात्रा जल्दी बोली जाती है और बड़ी की मात्रा देर तक। इसी तरह इसके बाद आप लोग हमेशा इस मात्रा को ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, ओ की मात्रा, अभी मैंने आपको बताया ओ की मात्रा है, तो क्या है, खोलो, ओ, बोलो, छोड़ो, दौड़ो। ये अब आपको समझ में आए, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद देखिए पेज नंबर 13 पे आइए आप लोग। पेज नंबर 13 पे हम पार्ट केस पहला है। देखिए प्रश्न, सुबह उठकर आप क्या क्या करते हो? आप जो जो भी करते हो इसमें आपको इन दोनों लाइन में लिखना है, ये आपका बेकार है। इसके बाद मन की उड़ान,
रविवार की सुबह कब और कैसे उठना चाहते हैं? इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आइए गतिविधि। नीचे दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और रंग भरिए। ये आपका गृह कार्य है। ये देखिए आधा बना हुआ है, आप इसे इसकी तरह बनाइएगा, ठीक है? आप लोग इसको इस चित्र को एकदम इस चित्र की तरह बना के रंग करिएगा। आप लोग बहुत अच्छे से वर्क करिएगा, काम करिएगा पुस्तक में, और कविता आप लोग पूरी याद कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद बच्चों।